पहले तो ये बताना है कि जो अभी आपने मेरा सिनेमैटिक बी रोल देखा, ये कैसा था एज अ बिगिनर? मैंने पहली बार शूट करने की कोशिश करी, तो चलो 14 दिन से घर पे हूँ, तो मैंने सोचा यार क्या करना, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो थोड़ा बहुत ये सब मैंने उल्टी सीधी चीज़ें करी और उसको मैंने ट्राई किया कि किस तरीके से चलो एक बार देखते हैं सिनेमैटिक कैसे करके शॉट करते हैं। टाइटल से तो पता लग ही रहा होगा आपको कि हाँ मैं COVID-19 पॉजिटिव हूँ, पिछले 14 दिन से घर पे ही हूँ और आज मेरा 14th डे है। तो 14th डे इज नो फेयर एनफ टू शूट अ वीडियो अबाउट COVID-19 के मेरे साथ पिछले 14 दिनों में कौन कौन से सिम्टम्स हुए और मैंने क्या किया, क्या ऐसी डाइट ली। तो इस वीडियो में वही देखते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली अगर आपको COVID-19 होता है ना तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको कोविड। एक ट्यूटोरियल नहीं है, एक ब्लॉग है मेरा, बहुत दिनों से चैनल डेड पड़ा है, तो चैनल भी मेरा एक्टिव हो जाएगा कहीं ना कहीं और एक ब्लॉग भी छूट जाएगा और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और क्या बोलूँ यार, तो यार सबसे पहले ये हुआ कैसे मेरे को, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये मेरे को हुआ कैसे था। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऑफिस में एक बंदे को हुआ था, वो उसको थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार था उसको, थोड़ा सर्दी वगैरह भी था, तो वो गया था फिर टेस्ट कराने के लिए और तो उसका पॉजिटिव आया। तो फिर हम सारे ऑफिस वाले हम भी चले गए, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था, ऑफिस के पास ही हो रहे थे, कहीं पर टेस्ट फ्री में ही हो रहे थे, तो हम सारे चले गए उठ के। तो उसमें फिर हम 3 लोग निकले पॉजिटिव, मैं था, रितेश था और जो पहले थे वो तो थे ही। तो उसके बाद उस दिन से मैं क्वारंटाइन हूँ। और सिम्टम्स की बात करें ना, तो सिम्टम्स में तो वही था कि थोड़ा सर्दी हुआ था, एक दो दिन में सर्दी ठीक हो गई। हाँ, एक बहुत मेजर सिम्टम है, मेजर सिम्टम क्या, बहुत कॉमन सिम्टम है अगर आपको कोविड है ना, एक तो आपका टेस्ट का चला जाना और आपका स्मेल का चला जाना, मतलब आपको किसी चीज़ की आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा और स्मेल नहीं आएगा। टेस्ट तो खैर मेरा नहीं गया था, स्मेल चला गया था। स्मेल को वापस आने में मेरे कम से कम 10 दिन तो लग गए थे, 10 दिन बाद मेरा स्मेल वापस आया था। यार बड़ा अजीब सा लगता है कुछ, मतलब स्मेल किसी चीज़ की आती नहीं, मतलब आप चाहे चिकन ले लो, मतलब मैं क्या करता था, सैनिटाइज़र की बोतल होती है, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, उसको मैंने अपने पास रखा हुआ था, मैं नाक में घुसड़ के उसको सूंघा करता था कि पता नहीं स्मेल वापस की नहीं आ रही, स्मेल क्या चक्कर है। फिर मैंने पता किया था कि स्मेल का चला जाना इसका एक सिम्टम है जो कि पता लग जाता है कि आपको कोविड है। रितेश के साथ भी यही हुआ था, बाकियों के साथ भी यही हुआ था। रितेश के साथ सिर्फ स्मेल चला गया था, मेरा तो एक दो दिन का वो थोड़ा नाक भी बंद हो गया। तो ये ओवरऑल मेरे सारे सिम्टम्स थे कि एक दो दिन की सर्दी हुई थी और बाकी फिर स्मेल चला गया था, तो मेरे को पता लग गया था। और थोड़ा सा शुरू में थोड़ी सी वीकनेस थी, मतलब तीन चार दिन में ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है, मतलब अंदर थोड़ा फीवर तो नहीं आया था बट अंदर से फील होता है ना, कमज़ोर सा और क्या कहते हैं आपका थोड़ा जॉइंट वगैरह में पेन हो रहा था। 2-4 दिन था वो शुरू में, उसके बाद स्मेल चली गई, स्मेल को वापस आने में काफ़ी दिन लग गया और अभी फुल्ली रिकवर्ड हो गया। दवाई में डॉक्टर ने मेरे को क्या दिया था, दवाई में पहले 3 दिन के लिए विटामिन सी की गोलियां दी थी सुबह शाम की और एक मेरे ख्याल इन्फेक्शन की, मतलब मैंने बताया था उनको कि सर्दी है तो सर्दी के लिए एंटीबायोटिक या वैसा कुछ दिया था। तो यही था जो मेरे साथ हुआ था COVID-19 में, बाकी सब ठीक था। तो उस दिन से ही मैं मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन से वाले कमरे में क्वारंटाइन था इतने दिनों से। मैं जो ना इस वाले कमरे में क्वारंटाइन था, यहाँ पर मैंने अलग से बेड वगैरह लगा रखा था। तो ये देखिए, इस कमरे में था मैं इतने दिनों से, यहीं पे सिनेमैटिक भी यहीं पे शूट किया था मैंने, ये यहाँ पे मेरा बेड लगा हुआ था, ये देखो ये छोटे लाल आ गए। तो मेरा जो मेन डाइट रहा है ना वो नारियल ही रहा है। ओ यार नारियल, देखा ये किस तरीके से स्पिल हो जाता है। कभी कभी पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि आजकल नारियल में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है कि इसमें भी कहीं कोई मिलावट तो नहीं हो रही, कहीं इंजेक्शन से कहीं डाल रहे हो, नीचे से मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी, बट पानी तो मीठा होता है। और ये मेरा मेन डाइट है पूरे कोविड का,
एक सुबह एक शाम को, कभी कभी दोपहर को और शाम को, जो भी है धो लेता हूँ मैं दिन में। तो ये सारी ओवरऑल मेरी स्टोरी थी कोविड-19 की, कैसे मैंने, मेरे को कोविड-19 हुआ और क्या क्या किया मैंने। तो इन ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोविड-19 का, मेरी जर्नी का, क्योंकि गर्म चीज़ में मैं कॉफ़ी पी रहा था। तो एक कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीते पीते इसको ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा कोविड-19 का ब्लॉग, सेकेंड ब्लॉग मेरे इस चैनल पे। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा ब्लॉग। एमेच्योर हूँ यार ब्लॉगिंग में, तो पता नहीं ज़्यादा। सो कोविड-19 से रिलेटेड अगर कोई भी आपको इश्यू है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बाकी आगे मैं ट्रैवलिंग वीडियो लेकर आऊँगा जब भी ट्रैवल करूँगा। तो ये वीडियो तो ट्रैवल के अराउंड ही होने वाला है, डेली ब्लॉग्स भी कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता ये चैनल। तो जो भी है, ये था मेरा चैनल। सो साइनिंग ऑफ टिल आई मेक द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।